ओके मैम, ओके ओके मैम। हाँ बेटा, शो करिए मुस्कान अपना वर्क। किया है आप लोगों ने काम? साइका, हम उसका ये जो दूसरा वर्क किया है ना आपने, उसका फोरहेड बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इसका ड्राइंग आपका प्रॉपर नहीं लग रहा ऊपर साइड पे, फोरहेड साइड पे, और थोड़ा सा नेक पोर्शन से भी दिक्कत दे रहा है। फोरहेड आपने बहुत ज्यादा बाहर कर दिया है बेटा। मैम ये हाँ, फोरहेड क्या होता है? मत्था, आपका यस मैम, नाक और आंख के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, नाक से ऊपर बेटा, हेड हेड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। यस मैम ये ना हाँ, इसका थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने। बाहर की जो ये आउट लाइन करी ना, लाइन फोरहेड की यस लाइन मैम कहाँ जा रही है? नोज के ऊपर से लाइन में फिंगर रखी है ना। हाँ, ये ये लाइन, वाली मैम हाँ ऊपर ले जाइए फिंगर। और ले, कहाँ ले जा रहे हो बेटा? ये लाइन तुम्हारी कहाँ जा रही है? ये क्या है तुम्हारे? पहले तो वर्क डिस्टेंस में करिए, हमें क्लियर नहीं हो रहा है। ये तुमने क्या सिर में कुछ पगड़ी वगड़ी बांध रखी है? पगड़ी नहीं मैम, ये कैप है। यस हाँ, कैप पहना रखी है ना मैम। अभी तो। क्या किसी को बैठाया था जिसके कैप पहनी हुई थी? मैम नहीं, मैंने किसी को बिठाया नहीं था मैम, मेरे पास ठीक। एक मैम एक वर्क था, सर ने बहुत पहले दिया था, तो मैम हमने बिठाया तो था, बच्चों के कोई बैठ ही नहीं रहता था, इसलिए मैम हमने उनकी पिक बनाई है। अच्छा बेटा, अभी जो काम करना है ना आपको, वो यस काम मैम, आपको इस तरीके से नहीं करना। अभी जब तक हम स्टडी प्रोसेस में चल रहे हैं, यस तब मैम, तक आप कोशिश करिए ये जो पगड़ी कैप टाइप की चीजें अभी मत इंक्लूड करिए। ठीक ओके मैम, है, जैसे आपका प्रोपोर्शन नहीं क्लियर हो रहा था, हम वो लाइन, एक तो पूरी इमेज आपकी विजुलाइज नहीं हो रही है, तो सिर्फ सेंटर पॉइंट विजुलाइज हो रहा था, तो मुझे लगा आपने फोरहेड ज्यादा कर दिया है ना। ओके चलिए, फिर भी अभी इसका ड्राइंग थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं आया, क्योंकि अगर ये कैप भी है तो कैप बेटा इतना नोज आईज पॉइंट से नीचे नहीं आती बेटा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही ओके नीचे आपने कंपोज कर दिए। थोड़ा ध्यान दीजिए इस ड्राइंग को, और जो आप पहले वर्क दिखा रहे थे वो दिखाइए। चलिए ठीक है, काफी हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आपने ये साइड फेस बनाया है, इसीलिए हमने अभी साइड फेस बनाने को मना भी किया था, क्योंकि आप लोग बहुत सारी गड़बड़ी कर डालते हैं। अभी हमने सिर्फ सेंट्रल एंगल आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला था। थोड़ा सा इसका प्रोपोर्शन और देखिए, जो आपने नेक बोन के पास से ज्यादा ही चौड़ा कर दिया, जो ये कान के नीचे से लाइन जा रही है, इसको थोड़ा जी सा मैम, ध्यान से देखिए। हाँ, एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, अभी प्रॉपर ओके वे नहीं आया है जैसा कि आ जाना चाहिए था। ओके कम से कम आप एक बार प्रैक्टिस और करिएगा, तो ओके आपका फॉर्मेट जो आ जाएगा उससे आपको चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक ओके है, थोड़ा सा जो अकॉर्डिंग टू आपने फेस की वेट ली है ना, उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई जितनी ली है, उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर बिल्कुल टॉप सिर वाला पार्ट है, उसका भी रेशियो कम है अकॉर्डिंग टू फेस की थिकनेस के। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी तो मैम आप पर प्रैक्टिस करें, थोड़ा और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो करना नाक थोड़ा क्लियर होगा, आपको प्रोपोर्शन को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने ये बोला था कि इसको ड्रॉ करिएगा, और इसको ड्रॉ करने के बाद मॉडल की ड्रॉइंग करिएगा, तो जिससे आपको चीजें समझ में आती है कि हाँ ये लाइन ऐसे है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन ऐसे होगी ना। होगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक यस मैम, है, अभी आपको लीव कर लीजिए, और बेटा कोशिश किया करिए दवाई वही थोड़ा, अगर क्लास अटेंड करनी हुआ करे तो विदन टाइमिंग आप कोई मेडिसिन ले लिया करिए। बहुत देर की वैसे भी आज देखो एक क्लास हो ही पाएगी, क्योंकि अब दो क्लास तो होने का टाइम निकल गया है। हम लोगों को जरा ऑडिटोरियम जाना था, तो अभी अभी हम लोग ऑडिटोरियम से फ्री हुए हैं।
आज सीएम आए हुए थे योगी आदित्यनाथ, तो उसी का प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, तो वैसे भी इतना शॉर्ट शेड्यूल है, देखिए कैसे मैनेज होता है। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप इसको लेफ्ट कर लीजिए, अपने थैंक यू दिमाग मैम। में आप पोर्ट्रेट करिएगा किसी को भी बैठा के, किसी की भी स्केचिंग करिएगा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको पोर्ट्रेट भी करना है, ठीक है, ड्राइंग के साथ। ओके ओके मैम, ठीक है ऋतुराज बेटा, शो बस करिए अपना वर्क। मैम लेफ्ट कर लें। हाँ हाँ लेफ्ट कर लीजिए, जब आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो हम भी जबरदस्ती नहीं कह सकते ना कि बेटा बैठे रहो। जी, अब ये आप जानो, देखो कंटिन्यूटी क्लास में आपका प्रेजेंस होगा तभी आपकी अटेंडेंस इंक्लूड होगी, ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तभी। खैर कोई बात नहीं, अभी ये लेफ्ट कर लीजिए, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ जी बेटा, देख दिखाई दे रहा है। और ये स्केचिंग करी जो हमने आपको एक इमेज सेंड करी थी, उसकी स्केचिंग करी है आप लोगों ने? मैम उसकी नहीं की मैंने, वो भूल गया। अरे बहुत गलत बात है, भूल कैसे सकते हैं। मैम सही, मैम बहुत सारे काम रह गए थे तो यही बन पाई जो ये बना रहा था मैं। वो भी मैम गलत बनी है, इसको मैम प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाना है। अभी अभी तो मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं कि आपने सही बनाया गलत बनाया, हमने तो अभी सिर्फ आपका वर्क देख रहे हैं। ठीक है, दूसरी यस चीज ये कि आपको जो काम दिया जाता है बेटा, आपको सुबह से भी, अभी हम जो 11:30 बजे आपकी क्लास लेते हैं 1:30 तक, उसके बाद भी आपको इतना इनफ टाइम मिला फिर भी? हाँ, मैम, खाना वाना बनाना होता है, कपड़े धुलने होते हैं, सब काम खुद ही करता हूँ बेटा मैम। ये काम तो सुबह से लेके शाम तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। अरे मैम नहीं, उधर सुबह से बारिश हो रही है मैम, बहुत गंदी। और कल मैम बीमार भी पड़ गया था, बुखार आ गया था हल्का बहुत, ठंड लगी थी रात में। चलिए, अब इसके आगे तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन यस आपका जो फेस का प्रोपोर्शन है, क्योंकि तो कुछ बच्चों, बेटा हमें जैसे देखिए बनी हुई बात है, आप लोगों को भी सारी चीजें क्लियर है कि आपकी क्लास में 20 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं, 20 अबव है ना, यस और उसमें से आप हार्डली 4 या 6 या 7 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास, बाकियों को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं कि उनको पढ़ना ही नहीं है ना, वो क्या सोच के बैठे हैं वही जाने, लेकिन जो 4-6 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हम उन्हीं से बहुत सारी उम्मीदें लगा के रख सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस का प्रोसेस आप लोगों का ये बेटा चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हम आप लोगों को बस रिमाइंड करा सकते हैं कि बेटा देख लीजिए चीजें एक तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ वार्न कर सकते हैं, क्योंकि बेटा चीजें बहुत ज्यादा, रूल्स सर जो है, बीसी सर, वो बहुत ज्यादा टाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों के लिए भी कोई नियम नहीं आएंगे। कल को अगर अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने ऑनलाइन बेस पे, जब वो इतनी स्ट्रिक्टनेस शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें वो मेंटेन कर ही लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यस आप ये भी नहीं कह सकते अब यहाँ कैंपस में भी नहीं आना है कि आपको आके क्लास लेनी है तो आप एक्सक्यूजेस दे दीजिए, ये रीजन है वो रीजन है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने काम कल हमें दिखाया था, स्टार्ट किया था अपने क्लास टाइम में ही, ठीक है बेटा, लेकिन आपका क्या है प्रोपोर्शन, जो फेस का प्रोपोर्शन है वो सही नहीं बैठ रहा, लिप्स आपके वन साइड ज्यादा हो रहे हैं, वन साइड कम हो रहे हैं, जो आपने डेप्थ प्रोपोर्शन दिखाया है वो भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो पार्ट आप, क्या होता है जो हम डेप्थ और लाइट का जो कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने एक ड्रॉइंग ही करी है, तो जो यस हमारी टोन्स का और ये डायमेंशन का तालमेल होता है ना, वो बहुत मायने रखता है ना, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है अभी फिलहाल आपका, क्योंकि चाहे आपकी टोन्स की वजह से है भी है आपका, और ड्राइंग की वजह से भी है, फोर हेड के बाद हेड प्रोपोर्शन को आपको बहुत दबा रहे हैं आप, फेस प्रोपोर्शन बहुत हैवी हो रहा है नीचे से। ठीक है, कुल मिला के एनाटॉमी में भी परफेक्शन नहीं है, मतलब परफेक्शन इन द सेंस, परफेक्शन वर्ड तो हमने गलत यूज कर दिया, कि जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं है। यस मैम, ये रफ वर्क था। हाँ, और दूसरी चीज ये जो आपने दूसरा स्केच दिखाया था फर्स्ट टाइम अभी, उसका वेट पार्ट बहुत ले लिया, चौड़ाई वाला हिस्सा बहुत ले लिया है। मैम यहां से यहां हाँ, ये जो पूरा ये डिस्टेंस जाता है ना, ये ज्यादा ही ले लिया, बहुत चौड़ा कर दिया है अपने फेस। अब देखिए कुछ चीजें, वैसे तो ड्राइंग समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें इमेज में उतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन ये मिस्टेक है, ये लेंथ आपने बहुत ज्यादा इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है। ओके।
उसको सही करते हैं। हाँ थोड़ा सा कम करिए, बहुत हैवी फेस नहीं बनाते, पेपर कंपोजिशन का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर हम इतना चौड़ा फेस बना देंगे तो बैकग्राउंड में हमारी वो चीज़ डिसबैलेंस लगने लगेगी। ठीक है, जितना पेपर का एरिया होता है हम उसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन कंपोज करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत होइए, सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। क्योंकि ये मान के चलिए बेटा कि अभी आप लोग प्रैक्टिस वे पे हैं, आप लोगों को वो चीज़ें नहीं आती, इसीलिए शायद हमने इसी एकदम से आपको काम नहीं दिया। नहीं तो प्रोसेस तो कायदे से ये है कि आप सेकंड ईयर में पोर्ट्रेट कर चुके हैं, प्रोपोर्शन सीख चुके हैं, हमको सीधे आपको ड्राइंग करा के कलर स्टार्ट कराना चाहिए। लेकिन यस हम ये चीज़ इसलिए चेक करते हैं कि आपका लेवल कितना है, ड्राइंग से ही पता चल जाता है कि आपका लेवल कितना है। ठीक है, आप कितनी नॉलेज रखते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो अभी फर्स्ट थिंग कि आपको जो एक दिया था हमने वर्क, वो आपको करना ही करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं करना है, 3-4 बार स्केच करिए उसका और उसको कंप्लीट करिए। साइका अच्छा प्रतीक, क्लास ज्वाइन कर लिया आज आपने? जी मैम, ये याद आ गई क्या क्लास की? अच्छा नहीं मैम, वो काम कर रहे थे, अच्छा अभी मुझे लगा शुरू हुआ आज ही तो मैंने आज ज्वाइन सूरज उगा है। कर लिया। अच्छा कैमरा ऑन रखिए, इट्स कंपलसरी। अच्छा साइका थोड़ा शो करिए, मैं इतना विजुलाइज क्यों नहीं हो रहा। मैम क्लियर दिख रहा? हाँ ना बेटा, आपका कैमरा भी ऑफ आ रहा है क्यों? हो सकता आवाज आ रही मैम है आप क्लियर लोगों नहीं को? है मैम हाँ, अब दिखा, अब दिखा बेटा, क्लियर। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ बेटा, और स्केच किया आपने जो हमने वर्क दिया था आपको? दिखाइए यस मैम लिया है। दिखाइए। मैम बोले थे तीनों बेटा कैमरे का एंगल सेट करिए अपना। क्लियर। श्रद्धा कैमरा ऑफ क्यों शो हो रहा है तुम्हारा बेटा? आप लोगों को विजुलाइज हो रहा है साइका काम? ऑन है। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। आप लोगों को दिख रहा है साइका का वर्क? हाँ तो ठीक, नो क्योंकि मैम, हमें भी नहीं दिख रहा था इसलिए साफ ही हमने दिख रहा कंफर्म है। किया कि हमारे यहाँ का नेटवर्क इशू है कि आप, मुझे लगता है साइका के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। साइका बेटा आवाज क्लियर है आपको हमारी? वॉइस भी नहीं है। एनीवे है सॉरी। प्रियंका प्रियंका आप शो करिए। यस मैम। साइका आप तब तक माइक ऑफ करिए, और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप वर्क अपना व्हाट्सएप में अभी सेंड करेंगी। जितना भी वर्क आपने किया है साइका, उतना वर्क आप अभी सेंड करेंगी जिससे हम आपके वर्क पर डिस्कशन कर सकें। हाँ प्रियंका, यस मैम। मैम थोड़ा हम कल बाहर थे तो मैम मैंने वर्क नहीं कर पाया था, और शाम को हमें पता नहीं चल पाया था जो आपने दूसरी वाली क्लास ली थी कि करना क्या है और कैसे क्या करना है। बेटा रिकॉर्डिंग मैम आज बता दीजिए तो हम उसको कर लेंगे। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखो, अब आई मेरी वॉइस? यस मैम आ यस गई। चलिए अच्छा, श्रद्धा आने किया है?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा अभी आएगी आवाज। अब आई? अब आई मेरी आवाज? मैम आ गई। ठीक है, अब शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम वर्क शो हो रहा है। अरे बेटा शो तो नहीं हो रहा है, हो सकता है 2 मिनट में होने लगे भी। आप शो करिए क्योंकि हम थोड़ा सा हमने अपनी प्लेस चेंज करी है। हाँ अब हुआ, दिखाइए दिखाइए। हेलो यस मैम। हेलो मैम आ रही है आवाज? यस आ रही है ना। हाँ अब थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक मिनट वेट करिएगा आप लोग। हाँ बेटा दिख रहा है हमें, आपने क्या करी है प्रैक्टिस? मैम ये स्केचिंग की है आपने तो दी। बेटा एक काम करो, आप भी जरा हमें व्हाट्सएप पे सेंड करो। बहुत बहुत ब्लर टाइप की इमेज आ रही है, लाइट वे में। ओके मैम। बहुत लाइट इमेज आ रही है, लाइट इमेज, इसलिए हम इतना प्रॉपर आपको नहीं गाइड कर पाएंगे। साइका, साइका बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। मैम बस सेंड कर दिया है। हाँ मैंने देखा तभी आपसे बोल रही हूँ मैं। मैंने आपके लिए पहला तो आपने ड्राइंग की एक स्टार्टिंग करी है, वो इतना इश्यू नहीं रखता। जो सेकंड वर्क किया है बेटा आपने, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप तो, हेलो वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम।
वॉइस है बेटा क्लियर मेरी? यस मैम, यस मैम है क्लियर। बोलिए जरा, आ रही है आवाज? साइका आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, जो आपने पहला वर्क किया है बेटा वो ड्राइंग की एक आपने के लिए शायद, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट वर्क किया है उसमें आपने ऊपर हेड प्रोपोर्शन से बहुत दबा दिया। जैसे सपोज दैट आप कोई क्ले वाला मटेरियल लीजिए और उसको हम ओवल शेप में करें और ऊपर से प्रेशर दे देते हैं तो क्या होता है वो डंप टाइप का हो जाता है ना। यस तो इस तरीके से वो दबा हुआ लग रहा है। जो थर्ड आपने पोर्ट्रेट टाइप में बनाया है वो काफी हद तक सही है, बट उसकी ड्राइंग्स में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है, लेकिन हाँ थोड़ा इम्प्रूव है वर्क। आपको ईयर प्रोपोर्शन देखना है, ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा लिप्स और नोज पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि फेस की जो आपने लेंथ और हाइट ली है बेटा उसमें क्या किया है आपने, लंबाई चौड़ाई में आपने जो उसके ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा छोटा छोटा कंपोज किया, जैसे लिप्स को और नोज को तो अच्छे से कंपोज किया, आईज प्रोपोर्शन आईब्रो प्रोपोर्शन थोड़ा कम लग रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी चौड़ाई के, ठीक है, तो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है। क्लियर श्रद्धा? आपने सेंड किया हमें वर्क, कर रहे हैं या कर दिया है? कर रहे हैं, ओके कर दीजिए आप, ओके ओके कर दीजिए। विशाल, यस मैम। विशाल बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा आप, लेट ज्वाइन किया बेटा आपने? यस मैम, वो मैं के थोड़ा बिजी था कहीं तो मैंने अभी जस्ट ज्वाइन कर पाया हूँ। ओके वर्क किया बेटा? वर्क किया बेटा? यस मैम किया, मैं पिक भेजता हूँ। नहीं आप शो करिए, उन बच्चों को हम सेंड करने को बोल रहे हैं। ओके मैम, जिनकी इमेज क्लियर नहीं हो रही। मेरी वॉइस रिपीट हो रही है? यस मैम, यस मैम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैम, हमेशा नहीं हो रही है, वो कभी कभी हो जा रही है। देखिएगा अब जो ड्राइंग मैंने सेंड किया था आपने उसको कॉपी किया है, उससे प्रैक्टिस करी विशाल? यस मैम। शो करिए बेटा, शो करिए बेटा। मैम दिख रहा है? श्रद्धा,
श्रद्धा? यस मैम, मैम सेंड कर दिया। हाँ, आपका वर्क हमने देख लिया है। आपके वर्क में भी प्रैक्टिस अभी मांग रहे हैं, क्योंकि आपके भी स्केचेस इतने इम्प्रूव नहीं हो पाए बेटा। कोशिश अच्छी करी है आपने, आप अभी 2-3 times और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कल भी हमने बोला था, लेकिन आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, लेकिन इट्स कंपलसरी कि कल हम 3-3 बार आप प्रैक्टिस किया हुआ वर्क देखेंगे, ठीक है? मिनिमम हमको 3 sheets चाहिए। विशाल, विशाल यस मैम। बेटा आप शो करो, आपका स्क्रीन शो नहीं हो रही है। विशाल यस मैम, मैम स्क्रीन तो मेरी ऑन है। एक मिनट रुकिए, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, मत करिएगा, डिस्कनेक्ट मत करिएगा। हम एक बार फिर से दीजिए, एक बार फिर से दीजिए। क्या प्रॉब्लम, देखते हैं क्या प्रॉब्लम। देखिए, हाँ विशाल दिखाइए जरा। मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ अब शो हो रही है बेटा। हाँ अब शो हो रही है बेटा। ठीक है विशाल, ठीक है विशाल। विशाल आप भी प्रैक्टिस करेंगे अभी, आप है ना? प्रैक्टिस करेंगे अभी, है ना? मैम एक ये है और बस एक ये लाइंस वाला है। ये ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू आपके पहले ये बाद में किया था स्केच, बाद में किया था स्केच। मैम आपने कहा था कि एक डिवाइड पेपर को डिवाइड करके करना है, तो एक ही पेपर को डिवाइड करके और आईज वगैरह को डिवाइड करके बस लाइंस ये पेपर को जो डिवाइड करके लिया था जो डिवाइड करने ये किया है ना आपने ये वाला वो आपका ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू जो आपने पहला वर्क दिखाया, जो आपने पहला वर्क और जो आप तीसरा दिखा रहे हैं, तीसरा दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, किसी ने भी पोर्ट्रेट, किसी ने भी ड्राइंग नहीं किया किसी को भी बैठा के? मैम आपकी आवाज ना बहुत रिपीट कर रही है। पता नहीं बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। हमने इसीलिए दोबारा से ज्वाइन किया कि शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो ही रही है। बारिश हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ वही हमें भी लग रहा है बेटा, इस वजह से ये रीजन हो रहा है, नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा बताया कि मुझे क्लियर सुनाई दे रहा है एक्चुअली। मैम मुझे भी क्लियर सुनाई दे रहा है, मुझे भी क्लियर सुनाई दे रहा है। चलिए अच्छा है, अगर आप ये अच्छा है, अगर हम हमको रिपीट खुद सुनाई दे रहा है, हम और को क्या बोलें। हो सकता है जहाँ जहाँ नेटवर्क का इशू हो वहाँ वहाँ पे ऐसा हो रही हो, ऐसा आवाज बार बार कभी इको करती कभी रिपीट करती है, ठीक है? चलिए ठीक है विशाल, अभी हम आप लोगों को, आप सभी लोग जितना हमने कल ड्राइंग सेंड किया है आपको, वो सारा आप हमको, मतलब जो हमने एक सेंटर आपको पोर्ट्रेट बोला था ड्रॉ करने के लिए, वो कम से कम 3 times आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है? क्लियर है? मुझे 3 times चाहिए। और दूसरा आपको जो मैंने काम दिया है,
आपको क्या करना है कि आपको किसी का पोर्ट्रेट भी बनाना है उस ड्राइंग को करने के बाद, ठीक है? खाली फेस ड्रॉ करना है, पूरा पोर्ट्रेट नहीं बनाना है। पहले तो आप उस स्केच से कॉपी करेंगे, फिर जिस मॉडल को बैठाएंगे उसका भी उतना ही फेस करेंगे कंपोज, पुल नहीं बनाएंगे आप अभी, शोल्डर वोल्डर कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? जब आप उसकी 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हमारा हाथ रनिंग हैंड हो जाता है, मतलब हमारा जब वर्क करते करते हाथ थोड़ा सा खुल जाता है, ठीक है? उसके बाद आप किसी को भी बैठा के 5 मिनट का, खाली 5 से 10 मिनट का स्केच करेंगे, समझ रहे हैं? सिर्फ हेड प्रोपोर्शन का, हेड प्रोपोर्शन का, हाँ पूरे पोर्ट्रेट का आपको नहीं ड्राइंग करने को कह रहे हैं कि आपकी पूरी पूरा पोर्ट्रेट कंपोज करना है, सिंपली इतना ड्राइंग करेंगे। और ये मतलब कंपलसरी आपको करना ही करना है, हम कल ये नहीं सुनेंगे कि हमारा ये रीज़न था इस वजह से हमने काम नहीं किया, हमें कंप्लीट वर्क चाहिए। वैसे आज आज भी आप लोगों ने 90% तो हमको रिस्पॉन्स दिया है, 10% छोड़ के, तो इसी तरीके से आप कल भी करेंगे। हम आपको रोज वही बता रहे हैं बेटा, हम बहुत थोड़ा थोड़ा काम देंगे जो आप इजीली कर पाएं और जिससे आप जल्दी ही से जल्दी सीख जाएं, ठीक है? समझ रहे बच्चा? यस मैम, यस मैम। प्रतीक आप क्या करेंगे, आप इन प्रतीक आवाज आ रही मेरी? यस मैम। हाँ, पहला काम आपका ये है कि आप इन अपने क्लासमेट से कंसल्ट करेंगे कि जितनी क्लासेस हुई अगर आपको कंटिन्यू क्लास लेनी है तो, बाकी चीजें आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि क्लास का क्या प्रोसेस है और क्यों कंपलसरी ये क्लास लेना, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स बहुत लाइटली ले रहे हैं और वो चीजें आप लोगों को बाद में क्लियर होंगी, तब समझ में आएगा कि इतना लाइट लिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है? तो आप अपने क्लासमेट से कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करने के बाद ये जानेंगे कि क्या काम अभी तक कराया जा चुका है, क्या समझाया जा चुका है और आपको क्या काम करके रखना है, ठीक है? आज का वर्क आपके सामने है, ठीक है मैम? अभी 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। अच्छा ये बताइए, इतना ड्राइंग करने में किस 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 को दिक्कत महसूस हो रही है? स्टूडेंट्स मैम बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। फोन पे काम करने में थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें आईज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब एक्सीडेंट हुआ था मैम तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा आईज में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, फोन से वर्क नहीं कर सकते मैम, जो सामने होगा वो कर सकते हैं। हाँ तो सामने की ड्राइंग कर लीजिए, आप मत फोन यूज करिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप फोन में से जो इमेज हमने सेंड करी थी आप उसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए और उसको रख के सामने ड्राइंग कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है, उससे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। क्या हो, क्या गया था तुम्हारी आंख में? मैम एक्सीडेंट की वजह से सर में बहुत मतलब तकलीफ हो रही है और आईज भी दर्द हो रही, कल मैम दवा लेने भी गए थे इसी वजह से मैम। नेटवर्क दिक्कत दे रहा है।
हाँ बेटा ऋतुराज बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम ये देखिए, मैम एक मेथड हाँ था बताइए। राइलेज मेथड, हाँ तो मैम जो आपने मैम कल भेजा था उससे मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, उससे मतलब सर्कल्स का यूज ज़्यादा हो जाता है, तो मैम वो मैंने ट्राई किया था ये। दिखाइए, पर आपकी स्क्रीन हमें यहाँ नेटवर्क की वजह से शो नहीं हो रही है। या तो आप हमें इमेज सेंड करिए बेटा, या शो करने की कोशिश करिए, क्योंकि तो हमें नहीं दिख रहा है बेटा। मैं इमेज इमेज सेंड कर देता हूँ। हाँ इमेज सेंड कर देंगे तो शायद हमें दिख जाए। बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम सेंड कर दिया आपको। हाँ बेटा शो हो जाए किसी तरीके से। अभी आया नहीं बेटा हमारे पास में। हमने अभी आपको एक जूम जेपीजी भेजी है, स्टूडेंट्स चेक करिए जरा। यस मैम देख ली। ठीक है, यस आप मैम उस देख ली। आप सभी का काम है कि आप उसको उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसका जो एक साइड एंगल है वो बहुत दो तीन एंगल्स में आपको दिया गया साइड एंगल का प्रोसेस कि किस किस टर्न पे क्या किस पोजीशन पे आपका फेस का प्रपोर्शन होता है। सेंटर के साथ साथ आप थोड़ा सा, ये बहुत हल्का सा साइड एंगल है। मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? हमने जो कुछ भी बोला आपको क्लियर है? क्योंकि यस मैम हमारा जब ये फेस मूवमेंट मतलब सेंटर पॉइंट से किसी भी राइट या लेफ्ट एंगल पे मूव करता है, बहुत स्लोली स्लोली जो मूव करता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग पता हुआ देखो। हाँ तो वो जैसे ही मूव करता है तो उस डायरेक्शन पे आपका क्या वो रहता है इफेक्ट। ठीक है, हल्का सा जब टर्न हो फेस होता है तो हमारे प्रपोर्शन में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम फुली साइड एंगल आपको इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आप स्टेप टू स्टेप चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ऐसे क्या है, आप एक साथ जब सारी चीजें करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट डेली के डेली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जैसे आपका फर्स्ट स्टेप क्रॉस होता है तो हम आपको सेकंड स्टेप में ले जाएंगे। हम एक साथ सारी चीजें आपको कभी भी नहीं एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्या है, आप हम हमारी ये कोशिश है कि शायद आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ड्रॉइंग कर सकें। ठीक है, जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं, आप सभी की मिस्टेक्स होती हैं, वो शायद इस बैच में ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जितना डेली एक असाइनमेंट दिया जाता है आप डेली के डेली उस चीज को इम्प्रूव करिए और उसी हिसाब से काम करेंगे। आपको खुद अपना रिजल्ट पता चलेगा कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ गैप कर दिया, कुछ भी ब्रेक कर दिया, तो फिर वो चीजें आप भूल जाएंगे। ऋतुराज ने कल एक क्वेश्चन पूछा था। ऋतुराज, आपने कल यस एक सर क्वेश्चन पूछा था जब हमने आपको मना किया था कि हम अभी नहीं बताएंगे। क्या क्वेश्चन था आपका, रिपीट करिए। मैम अब तो याद नहीं है। याद नहीं? चलिए कोई नहीं, अभी आपने जो दो वर्क सेंड करे हैं
उसमें एक में तो शायद शंकर जी लाइक्स बनाए हैं आपने, और ऊपर वाले वर्क में जो उससे पहले मैं सेंड करी है उसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए कि आपने आईज प्रोपोर्शन फेस के अकॉर्डिंग आईज को बहुत छोटा बनाया है, और जो दो आईज के बीच में हमारी एक आईज की लेंथ का गैप होता है बेटा वो कम है आपका। यस मैम, बस मैं ये चीज पूछ रहा था, जैसे कि अगर हम कंपास और ये स्केल का पूरा यूज करते हैं तो मैम ये आईज अपने आप मैम ये कर्व से, मतलब उन्होंने बताया था ये जहाँ ये कर्व कट कर रहा है लाइन को, हाँ, जो ये किसने नोज से बताया था? मैम मतलब एक वीडियो देखी थी उसमें मतलब पूरे मेथड समझाया था कि मतलब कैसे कौन सी चीज, मतलब कर्व कहाँ से लेते हैं, किस जगह कट करती है, कहाँ से लाइंस स्टार्ट होती हैं। तो मैम उन्होंने बताया था जो ये आईज वाली लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, इस पे जो ये कर्व नाक से कट करता है तो वहां पर आंख खत्म हो जाती है। बेटा एक बात हम बोलेंगे, देखिए हमने नहीं देखा कि उन्होंने क्या समझाया, ठीक है, यस मैम, लेकिन जो आपके वर्क में दिख रहा है वो सही नहीं है प्रोसेस, यस मैम, वो मुझे भी आपने, लग रहा हाँ, है कि आंखें छोटी हैं। क्योंकि या तो आपने, देखिए हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते कि वो आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है या सही डायरेक्शन दे यस रहा है, मैम, यस लेकिन आपके वर्क के रिस्पॉन्स से तो हमें यही लगेगा कि आपका डायरेक्शन सही नहीं है, या आपके समझने में डायरेक्शन सही नहीं है, या आपके करने में डायरेक्शन सही नहीं है। अब इसका और जजमेंट तो आप स्वयं करेंगे कि आप तीनों में से किस रास्ते पे हैं। दूसरी ओके मैम, चीज कि आपको ये करना ही करना है कि आपको आप करते हैं साइड वर्क, खूब करिए, बहुत से बच्चे पोर्ट्रेट बनाते हैं और खूब प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होती हैं जो हम एक कॉमर्शियल वर्क करने के साथ साथ उन चीज़ों को कभी भी स्टडी प्रोसेस में नहीं समझ पाते, क्योंकि बेटा जब चीज़ें हम एकेडमिक बेसिस पे देखते हैं तो कॉमर्शियल से बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारा एक पर्सनल सजेशन एज ए टीचर कि हम आपको जो भी गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप स्टेप टू स्टेप उस प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस तो बहुत है, हम अगर एक दिन में सारी चीज़ें आपको बता देंगे तो आप भी बेटा नहीं समझ पाओगे कि हम आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, समझ यस रहे हैं। यस तो अभी जो हमने आपको दोनों चीज़ें दी हैं कल का, क्योंकि कल का रिस्पांस हमें उतना अच्छा नहीं मिला जितनी शायद, पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी शायद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने पूरा 1 साल कंप्लीट किया है, लेकिन शायद आप स्टार्टिंग कर रहे होते मैं आपकी क्लास शायद मैं सोचती कि चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं, अभी आपको सीखना है समझना है, ठीक है, लेकिन जितना काम आप कर चुके हैं उतना रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा, तो इसलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बी टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमारा जो थर्ड ईयर पार्ट होता है हम आपको बहुत दिन तक प्रैक्टिस वे में नहीं रख सकते, हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं हम आपको भी जो थोड़ा टाइम दे रहे हैं और जो चीज़ें हम आपको समझाना चाह रहे हैं उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप पिक करिए, पिक करके आप उसको कैच करके कोशिश करिए कि आप उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट ला सकें, तो मोर देन मोर प्रैक्टिस ही आपका एक ऑप्शन है, यस और बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपसे नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा जो बच्चे डेली वर्क कर रहे हैं, शायद उनसे भी अच्छा होगा जो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, उनसे भी आप आगे निकल जाएंगे अगर आप इस प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम, जो आप अभी फिलहाल तो आप लोगों को इतना ही काम करना है, और किसी के कोई डाउट है तो जरा क्लियर करिए। यस मैम, मैम ये वर्क अभी कार्टेज में कर सकते हैं? हाँ अभी तो आप, हमने नॉर्मल आपको स्केचिंग पेपर या आप कार्टेज शीट या स्केच फाइल जिसमें भी चाहे उसमें कर सकते हैं, या आपके पास शीट अवेलेबल है तो हाफ शीट में करिए, क्योंकि हाफ शीट में करने से एक तो आपका प्रैक्टिस का रिकॉर्ड आपका सामने है कि आपने क्लास को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किया, समझ रहे हैं, ड्राइंग बहुत मस्त है आपकी, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके जब जो चीज़ें एग्जाम में देखी जाती हैं तो आपका सिर्फ मेन वर्क ही देखा जाता है, आपका प्रैक्टिस वर्क बहुत मायने रखता है, समझ रहे हैं, तो आप उसको अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो वो आप अपने फोल्डर में डालते जाइए एक एक शीट जो काम करते हैं, और उसको रखिए अपने वर्क को संभाल के, ठीक है। और कोई डाउट्स हैं, कोई भी जिसको भी कोई डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं है तो
जो भी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जो भी बताई जा रही हैं, या जिस के थ्रू आप समझ रहे हैं, जैसे हमने आपको एक इमेज सेंड करी, तो क्या कॉन्सेप्ट समझने में कोई दुविधा है आपको? मेरे ख्याल से नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी कोई दुविधा है तो टू बी फ्रैंक आप बोल सकते हैं। कहीं नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, हम उसका भी कोई ना कोई ऑप्शन आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? लेकिन काम करिए बेटा। हाँ साइका बोलिए। मैम कल वाले वर्क के लिए पूछना था, जो आपने कहा कि जो कल आपने पिक सेंड की थी तो उसको तीन शीट्स में करना है, तीन पेजेस में। तीन बार, इसलिए कि आपको तीन बार जब आप सेम ड्राइंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस दिख नहीं रही आप लोगों के काम में। कल भी हमने बोला था, हमने कल इसलिए इतना रफली बोल दिया था कि मुझे लगा कि आप लोग शायद जैसे ड्राइंग करेंगे वो रिजल्ट आ जाएगा। जब मैंने आज आप लोगों के वर्क चेक किए तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसको कंपलसरी कर दिया कि आपको तीन बार वो स्केच करना है। सेम स्केच आप तीन बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। और कोई और बात? आज भी जाए? उसको भी करिए, उसको अभी एक करिए, अभी कोशिश करिए। देखिए प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो हम तब बांधते हैं जब जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती बेटा। तो लिमिट में हम आपको इसलिए बाउंड करते हैं कि आप उस चीज़ को समझें। जब हम आपको बाउंड कर देते हैं तो आप मन हो ना मन हो तो भी आप तीन बार स्केच करेंगे, पांच बार स्केच करेंगे। अभी हम कह दें आज वाला स्केच आपको पांच बार करना है, लेकिन वो मायने नहीं रखता। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपने वर्क को ऑब्जर्व करके खुद देख सकते हैं कि आपका वर्क कितना अभी इम्प्रूवमेंट मांग रहा है या किस स्टेज पे। अगर आवश्यकता है तो आप उसको दोबारा ड्रॉ करिए, दोबारा में नहीं आता है तो तिबारा ड्रॉ करिए, तीसरी बार में नहीं आता है तो चौथी बार करिए। डेफिनेटली तीन चार पांच बार में आएगा ही, ठीक है? ये तो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। हमें उसको कॉपी नहीं करना है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मेरी बात समझिएगा, कॉपी करके तो आपने धीरे धीरे लाइन एक एक लाइन एज इट इज बना दी, लेकिन वो सही प्रोसेस नहीं है। हमें कॉपी राइट नहीं चाहिए, हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट आपका देखो जरूरी एक्सक्यूज मी जरूरी नहीं बेटा कि हर एक की कैपेसिटी एक सी हो। जरूरी नहीं कोई काम मुझसे एक बार में हो जाता है, हो सकता है कोई दूसरा काम मुझसे दो बार में हो जाए, ठीक है? और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जितना ज्यादा ड्राइंग करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, समझ रहे हैं? तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो एक दूसरे को शेयर करो, उसके नंबर पे शेयर करो, एक दूसरे से कंसल्ट किया करो, हमेशा डिस्कशन किया करो उसके वर्क में क्या है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, जब हमें कोई चीज़ मिस्टेक बताता है ना, उस समय हमें फील तो बुरा होता है लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? आप अभी अपने काम में कमी उतनी नहीं निकाल पाओगे जितना अगर हम कोई वर्क किसी और का दे दें, आप उसमें एक बार में ऑब्जर्व करके बता दोगे कि ये यहाँ गलत है, ठीक है? तो आप जो भी चार छह बच्चे ज्वाइन कर रहे हो वो एक दूसरे को अपना वर्क करने के बाद सेंड करो, हो सकता है जो चीज़ आपको नहीं दिख रही उसको दिख जाए, और वो जब बताता है तो उसको फिर आप इम्प्रूव करिए जब तक आपकी क्लास नहीं होती, ठीक है? जैसे आप लोग क्लास में काम करते हैं वैसे सोच लीजिए, अभी आप घर पे हैं तो जैसे चाहें वैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा? साइका क्लियर हुई? यस मैम क्लियर हो गई। हाँ बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी किसी को कुछ बोलना है? प्रतीक आपका कैमरा नहीं अभी तक ऑन हुआ, पूरी क्लास हमारी खत्म होने वाली है और आपका कैमरा ऑफ है, और जरा अपने क्लासमेट से कंसल्ट करिएगा कि हमने कैमरा क्यों ऑन करने के लिए बोला। ठीक है, यस मैम। आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे अपने क्लासमेट से सारी चीजें समझेंगे कि क्या पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि क्लास कैसे।
ठीक है मैम, काम भी करेंगे आप, ठीक है। तो अभी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, एक मिनट वेट करिएगा, अभी नहीं, एक मिनट जरा वेट करेंगे आप लोग।